जम्मू कश्मीर के कठुआ में 6 साल की मासूम बच्ची आसिफा के साथ गैंग रेप के बाद हत्या और उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप कांड घटना के विरोध में कैराना में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला गया। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के आह्वान पर सैकड़ों लोग शनिवार की शाम को कैराना के चौक बाजार में इकट्ठा हुए, जहां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने भाजपा के बेटी बचाओ अभियान पर तंज कसते हुए रेप की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोल रही है। मामला जब सुर्खियों में आता है तब सरकार की नींद खुलती है। मामला 8 साल की अपनी छोटी बच्ची आसिफा करवाल गुज्जर जो कठुआ से है और उन्नाव से, और ऐसी बहुत सारी बच्ची जो और बहने, मेरा कहना ये है कि ये सरकार जो बनी थी ये महिलाओं के सम्मान के लिए बनी थी, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसमें नेता भी बख्शी बनना और जो है उसके अफसर भी बख्शी बनना। आपने देखा होगा कि आसिफा के सिर में चोट लगने के बाद एक बंदा उन्हीं में से ये कह रहा है कि अभी रुको, मुझे एक बार और नमस्कार कर, तो देखो कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा की बात है। तो ऐसी सरकार और ऐसे समाज में ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और ये कैराना में हिंदू मुस्लिम सब मेरे भाई, हर समाज हर दल से हर पार्टी से खड़े हैं। आज ये इन्होंने दिखा दिया कि ये मसला एकता नहीं, हम सब का, इससे भी का। किस तरीके की मांग करते हैं इस तरीके के दरिंदों के लिए, क्या वो फांसी की और कड़ी से कड़ी जो भी सजा हो, फांसी से भी अगर ज़्यादा कोई सजा है तो मैं वो भी। मेरठ से आए सभा छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान ने सरकार पर तंज कसते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो बहसाना हरकत जम्मू के कठुआ जगह पर हुई, और इसके साथ साथ हम उन सभी बच्चियों को, सभी बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे जो इस तरह से मौत के आगोश में चली गई, चाहे निर्भया उसमें हो और चाहे हमारे ये आसिफा गुजर हो, हमने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। और इसके साथ साथ हमने ये मांग भी की है कि जो उन्नाव जैसी घटना हुई है गैंग रेप की, उसमें भी उस पीड़ित को न्याय मिले। और मैं यही इसके लिए कहना चाहता हूं, आप मीडिया के साथियों से, आपने बहुत तत्परता से इसमें काम किया, और तमाम लोग कैराना के आज यहां पर इकट्ठा हैं, पूर्व सांसद जी भी, तबस्सुम जी भी, और तमाम दलों के लोग यहां पर इकट्ठा हुए, तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए, हिंदू मुसलमान सभी भाई यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी यही मांग है कि उस बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और ऐसे लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो। हम लोग कल राजघाट पे भी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ भी कैंडल मार्च का प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ हम सब लोग मिलकर उसके परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करने का काम भी करेंगे। इसके बाद सैकड़ों लोग हाथों में तख्तियां व कैंडल लेकर पैदल मार्च निकाला। तख्तियों पर लिखा था कि आसिफा को न्याय दो, बलात्कारियों को सजा दो, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार आखिर कब तक कब तक, आदि स्लोगन लिखे हुए थे। कैंडल मार्च कैराना के चौक बाजार से शांतिपूर्वक शामली बस स्टैंड पर पालिका मार्केट में जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे।